है दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। मेरा नाम है हितेंद्र, आप देख रहे हैं ड्राइव एक्सट्रीम इंडिया। तो फाइनली किया ने अपना प्राइस रिवील कर दिया है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग इसका प्राइस है, क्योंकि ये हर ब्रैकेट में आ जाता है। और सबसे इसका जो बेस मॉडल है HTE, ये सबसे कम वैल्यू आपको एक्स शोरूम देता है। बेस मॉडल है सोनेट का HTE, ये सबसे कम एक्स शोरूम प्राइस टैग के साथ आता है, जो है 6.71 लाख। जी हाँ, इसके कंपटीशन में टॉप थ्री की बात करूँ, जैसे कि ब्रेज़ा, नेक्सॉन और वेन्यू, ये तीनों ही का जो प्राइस है एक्स शोरूम, ये इससे ज़्यादा ही है HTE सोनेट से। तो जो HTE सोनेट का प्राइस है वो है 6.71 लाख, और डीजल में 8.51 लाख एक्स शोरूम प्राइस। इसमें कोई ऑटोमेटिक नहीं है, इसमें आपको पेट्रोल में 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन और डीजल में 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। पर ये वेरिएंट क्या मैं रिकमेंड करता हूँ? जी नहीं, ये वेरिएंट रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि जो इसका इंजन है पेट्रोल में 1.2 लीटर का इसमें इंजन देखने को मिलता है, वो भी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, 85 PS का पावर देती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये थोड़ी अंडर पावर मुझे लगती है। और वहीं डीजल की बात करूँ तो डीजल में हमें देखने को मिलता है जो अच्छे पावर के साथ आती है, लेकिन उसमें आपको 0.51 लाख देंगे, मतलब करीब करीब ऑन रोड आते आते 9.5 लाख हो जाएगी, और उसमें आपको कुछ फीचर्स देखने को नहीं मिलता। तो मुझे नहीं लगता कि ये वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी होगा आपके लिए। तो ये तो हो गई HTE की बात। हाँ, अगर आपको सोनेट ही लेना है तो HTE की तरफ आप जा सकते हैं, तो उसमें आपको फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे चारों पावर विंडो आपको वहाँ पे मिल जाता है, म्यूज़िक सिस्टम भी देखने को आपको मिल जाता है, तो वो वेरिएंट आपके लिए अच्छा हो सकता है। जैसे कि उसका जो प्राइस आया है 7.59 लाख एक्स शोरूम, और डीजल में आपको 8.99 लाख एक्स शोरूम। पेट्रोल में वही आपको वही सेम स्टोरी है इसके साथ भी, कि ये नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है। अगर आपको ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं है तो आप ज़रूर इस वेरिएंट को ले सकते हैं। वेन्यू भी आखिर बिकी रही है उसी प्राइस में, जो डीजल है वो 8.99 लाख के साथ आता है HTE। तो मेरे हिसाब से अगर डीजल में आपको जाना है, HTE एक वेरिएंट हो सकता है जो आप उसको ले सकते हैं बेस मॉडल में डीजल। और अब जो सबसे बड़ा गेम है इसमें वो है HTE प्लस में, इसी यही एक ऐसा वेरिएंट है जिसमें आपको सारे ट्रांसमिशन देखने को मिल जाते हैं, जैसे 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड, 1 लीटर टर्बोचार्ज, 7 स्पीड DCT, IMT, और साथ ही साथ आपको ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, वो सब इसी वेरिएंट में देखने को मिलता है। वैसा क्यों, चलो उसके बारे में बात करेंगे, पर पहले इसकी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। क्या इसकी प्राइसिंग निकल के आई है? तो HTE प्लस स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है, उसकी प्राइस है 8.45 लाख एक्स शोरूम प्राइस। ये पहले मैं पेट्रोल की बात करूँगा, और आप अगर इसके टर्बो चार्जिंग इंजन के साथ जाते हैं तो उसका प्राइस है 9.49 लाख 6 स्पीड IMT के साथ आता है। इसमें भी थोड़ी एक दिक्कत की बात है कि आपको अगर टर्बो चार्जिंग के साथ जाना है तो आपको उसमें मैनुअल देखने को नहीं मिलता, उसमें आपको 6 स्पीड का IMT देखने को मिलता है। लेकिन चलो ठीक है, IMT दिया है, कुछ नया दिया है तो ऑटोमेटिक से चलो ठीक है, मैनुअल से तो थोड़ा सही मुझे लगता है वो IMT। और जो 7 स्पीड का DCT इंजन है उसका जो प्राइस है 10.49 लाख शोरूम। हाँ, तो अगर HTE प्लस में आप जाते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपको पेट्रोल में 7 स्पीड का DCT देखने को मिल जाता है, प्योर ऑटोमेटिक आपको इसमें देखने को मिलता है। डीजल की तरफ बढ़े तो डीजल में HTE प्लस में हमें देखने को मिलता है 1.5 लीटर का इंजन है डीजल में, और इसकी जो प्राइसिंग रखी है HTE प्लस की डीजल में वो है 9.49 लाख। ये 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। और अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए, डीजल में अब तक किसी भी गाड़ी में ऑटोमेटिक अवेलेबल नहीं थी, जो भी थी वो AMT थी। अगर आपको प्योर ऑटोमेटिक चाहिए, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है डीजल का HTE प्लस ऑटोमेटिक 1.5 लीटर का डीजल इंजन, जिसकी प्राइस है 10.39 लाख। तो डेफिनेटली जिनको डीजल में ऑटोमेटिक चाहिए तो उनके लिए सबसे बेस्ट चॉइस यही होने वाला है। HTX की तरफ बढ़ते हैं। अब HTX की तरफ बढ़े तो सबसे मजे की बात है कि 9.99 लाख इसका HTX पेट्रोल में भी प्राइस है, और 9.99 लाख इसका डीजल में भी प्राइस है। तो मेरी तरफ से आप डीजल में चले जाओ, क्योंकि डीजल में जो आपको 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा उसका चलाने का मज़ा अलग है, उसका जो आपको एवरेज मिलेगा उसकी बात अलग है। और हाँ, अगर IMT और टर्बो में आपका इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप पेट्रोल की तरफ जा सकते हो। तो दोनों का प्राइस सेम ही है 9.99 लाख HTX में। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको पेट्रोल में जाना है IMT विथ टर्बो चार्ज, या आपको डीजल इंजन के साथ जाना है विथ फ्यूल इकोनॉमी। इसके नेक्स्ट वेरिएंट की तरफ जाए तो HTX प्लस वेरिएंट है, काफ़ी फीचर रिच है। इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट मिल जाता है, एयर प्यूरीफायर मिल जाता है। तो मुझे लगता है जिसको सोनेट चाहिए, हालांकि इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा निकल के आती है, लेकिन जो फीचर्स इसमें देखने को मिलते हैं वो आपको किसी भी
कॉम्पैक्ट एसयूवी में देखने को नहीं मिलता थे, फर्स्ट इन सेगमेंट चीज़ें इसमें दी गई है, तो वो एक्सक्लूसिविटी के लिए आपको थोड़ा पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि आपके पास जो चीज़ है वो किसी के पास नहीं है इस वेरियंट में। तो इसका जो प्राइस है वो 11.65 लैक्स है, जो ऑन रोड जाते जाते ये 12.5 लाख तक चली जाएगी। ये भी 6 स्पीड IMT के साथ आता है, पेट्रोल टर्बोचार्ज इंजन के साथ। इसके डीजल का भी सेम प्राइस है, 11.65 लाख। ये 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है, तो अभी आपको वही डिसाइड करना है, क्योंकि इसका भी जो पेट्रोल और डीजल का प्राइस है 11.65 लाख। मैं तो प्रीफर डीजल ही करूँगा अगर सेम प्राइस में पेट्रोल और डीजल आता है। कमेंट करके बताइए कि आपको क्या पसंद है, IMT विद टर्बोचार्ज या डीजल विद फ्यूल इकोनॉमी। अब इसके टॉप एंड वेरिएंट जिसका सबको सबसे ज़्यादा इंतज़ार था वो है GTX+। इसकी जो प्राइस निकल के आने वाली थी, सब ने इसके प्राइस के अंदाजे को लगाया हुआ था 13-14 लाख। मुझे भी पता था कि ये 13.5-14 लाख रुपए तक आएगी, काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया था, तो मैंने उन्हें बताया था कि 13-14 लाख तक आएगी, पर इसका जो एक्स शोरूम प्राइस आया है वो है 11.99 लाख। तो यस, ये 13 लैक्स तक आपको ऑन रोड मिलेगी। इसमें भी एक फ्लॉ है, इसमें आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, ये सबसे बड़ी कमी कर दी इन लोगों ने। अगर जो GTX+ लेता है तो वहाँ पे आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन देना चाहिए था, हालांकि शायद ये फ्यूचर में आ जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल तो नहीं है, क्योंकि उसका प्राइस और ज़्यादा बढ़ जाता, तो शायद इसी वजह से इन लोगों ने इसको ऑटोमेटिक इसमें नहीं दिया है। तो इसमें जो पेट्रोल है वो 6 स्पीड का IMT टर्बोचार्ज इनके साथ आता है, जिसकी प्राइस है 11.99 लाख, और डीजल में आपको भी वही सेम प्राइस है 11.99 लाख, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है 6 स्पीड 1.5 लीटर। प्राइसिंग मुझे अच्छी लगी इसकी, क्योंकि किया मोटर्स ने हर वेरिएंट में हर टाइप के कस्टमर के लिए इन्होंने अपना एक वेरिएंट लॉन्च किया है, जिसको बेस पे जाना है तो सबसे सस्ता बेस देखने को मिलता है, जिसको टॉप एंड में जाना है तो प्राइस वो ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ आपको फीचर्स भी दे रहे हैं जो कि किसी और दूसरे गाड़ियों में नहीं है। पर यहाँ पे आपको डिसाइड करना है, जो इसका GTX+ है उसका जो प्राइस है वो चला जाता है 13 लाख ऑन रोड, और यहाँ पे आपको दो और ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, वो है क्रेटा और दूसरी है किया सेल्टॉस। यहाँ जो इनका दोनों बेस मॉडल है वो आपको देखने को मिल जाएगा इस वेरिएंट में, पर अब ये तो आपका डिसीजन है कि आपको फीचर चाहिए या थोड़ी बड़ी गाड़ी चाहिए। तो आप मुझे बताइए आपको कैसा प्राइस लगता है किया सोनेट का, कमेंट बॉक्स में क्या लगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं हम अपने ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।